दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जब हमारी जो कूलर की मोटर जाम होती है या छू छू आवाज़ करती है, या कई बार ऐसा होता है जब उसको हम जो है स्विच ऑन करते हैं तो हूँ करके जाम होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उन सब का कारण आज मैं इसको वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम घर पर ही जो है इस मोटर को कैसे जो है जाम की शिकायत को दूर कर सकते हैं, आवाज़ हो रही उसको कैसे हटाएं, या चूँ चूँ आवाज़ करती है उसको हम कैसे मिटाएं, या इसको सर्विसिंग ऑयलिंग कैसे करें, ठीक है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा, अभी जो है लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है दोस्तों, जिस तरह से हम जो है बाहर जो है आ जा नहीं सकते, जिस वजह से हमें जो है कई बार जो है इस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हम जो है कूलर की मोटर जो है रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं बाहर जाकर के, ठीक है। तो हम घर पर ही कूलर की मोटर को कैसे रिपेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अंदर मैं आपको दोस्तों एक और चीज़ बताने वाला हूं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें हमारे कूलर के अंदर जो रॉड बुश खराब है, और कैसे पता करें, और हम किसको जो इसको सर्विस करें। भाई दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीज़ें बता देता हूं। सबसे पहले आपको दोस्तों कूलर की मोटर को जो है कूलर में से खोल लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सिंपली आपको जो है जो चार बोल्टू होते हैं, देखिए दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा, ये 1, 2, 3 और एक 4 बोल्ट, वो आपको जो है सिंपली खोलना है। खोलते समय दोस्तों आपको खास तौर से ध्यान रखना है, आपको किसी तरह की जो है कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है जिससे हमारा नट बोल्ट टूट जाए, ठीक है दोस्तों। मैंने पहले से ही खोल रखे, ढीलों कर रखे हैं ताकि जिससे अपना जो है समय बच सके, ठीक है। इस तरह से आपको जो 4 बोल्ट जो है खोल लेना है। तरह से चारों बोल्ट खोलने के बाद सिंपली आपको दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि ये जो आपको दोस्तों चार दोस्तों वायर नज़र आ रहे हैं जो कि अंदर से मोटर के अंदर आते हैं, ठीक है, तो उसके वायरिंग का पहले आप फोटो खींच लें, जिससे आपको वापस वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि आप जब इस ढक्कन को बाहर निकालें, ठीक है दोस्तों, तो ये वायर टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो लगाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। सिंपली आपको खोलने से पहले इसको जो ऊपर वाला ढक्कन आपको दोस्तों नज़र आ रहा होगा, ये आपको बाहर निकालना है। अगर ये बाहर नहीं आता है तो आप इसको हल्के से हथौड़े की चोट मार करके इसको जो है बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से ये हमारा जो है अंदर का रोटर और बुश बाहर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सिंपली आपको इस अंदर दोस्तों मैं दो चीज़ें बताता हूँ, एक तो इसके रॉड बुश ख़राब होने से जो हमारा कूलर जाम होता है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसे ही मैनुअली अगर चलते चलते या कुछ टाइम पड़े रहने से या मॉइस्चर होने से जाम होता है, तो आप उसको वापस साफ़ सफाई करके वापस फिटिंग कर दें, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको रॉड बुश चेंज करना नहीं बताऊँगा, उसके लिए आप यहाँ पर ऊपर यहाँ इस तरफ आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या लास्ट में मैं आपको जो है इसका एंड स्क्रीन पर इसका वीडियो दे दूँगा, आप वहाँ जा करके रॉड बुश चेंज करने की पूरी प्रोसेस को समझ सकते हैं। उसके अंदर मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। अब भाई दोस्तों, आपको मैं सिंपली घर पर ही इसको सर्विस करना बताऊँगा, या हमारा जो कूलर की मोटर जाम हो उसको कैसे रिपेयर करें। तो ये देखिए दोस्तों, आपको ये जो रॉड, ये जो डंडी आपको लोहे की नज़र आ रही है, इसको जो है रॉड बोलते हैं, इसको शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके अलावा जो अंदर आपको पीला दोस्तों ये घेरा नज़र आ रहा है, अंदर वाली रिंग नज़र आ रही है, इसको बुश बोलते हैं। एक इसके अंदर और एक इसके अंदर, दो बुश के अंदर लगे हुए होते हैं जो कि इस तरह के होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दो बुश होते हैं और एक ये रॉड होती है। सिंपली ये जो रॉड जो है कई बार जो है कट जाती है, ये तो वैसे एकदम नई रॉड है, फ्रेश पीस है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे सही है, ये ख़राब नहीं है, ये हमारी जो है रॉड ख़राब है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये रॉड ख़राब कैसे पहचाने, हमारा रॉड इसके अंदर जो है ख़राब है, ठीक है दोस्तों। ये इसके अंदर ये वॉशर लगे हुए होते हैं। सिंपली आपको दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ पर इस तरह की जो जारी बनी हुई है, आपको काला काला दोस्तों नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जो निशान बने हुए हैं जिससे हमारी रॉड ये जो है रॉड कटी हुई है। तो इसी तरह से ये पीछे वाला हिस्सा भी है जो है ये रॉड का कटा हुआ पूरा काला काला पड़ चुका है, इससे हमारी रॉड ये कटी हुई मानी जाती है, इसके अंदर हमारी रॉड जो है कट जाती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो रॉड है वो कट जाती है। आपको यहाँ पर जब हाथ लगाएंगे, इस तरह से हाथ फिरेंगे तो आपको कटा हुआ महसूस होगा, तब समझ लीजिए आपको रॉड बुश चेंज करने की ज़रूरत है। अगर इस तरह की कंडीशन नहीं होती है, ऐसे सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो आप सिंपली क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी ऑयल आपके घर में जो मैनुअली जो कोई भी ऑयल होता है, लुब्रिकेंट होता है, वो आप इसके अंदर लगा करके इसको रॉड को अच्छे से साफ़ कर लें आप, ठीक है दोस्तों। रॉड को अच्छे से साफ़ करने के बाद आपको जो बुश होते हैं, ठीक है दोस्तों, बुश को भी बहुत अच्छे से साफ करना है, पूरी तरह से आपको जो है अच्छा ये जो बुश होते हैं पूरा इस तरह से आपको अंदर कपड़ा घुमा के पूरा क्लीन कर लेना है। इस तरह से आपको जो है पूरा बुश साफ़ कर लेना है, जिससे कोई डस्ट अंदर नहीं रहे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सिंपली आपको जो है नीचे वाला बुश भी पूरा साफ़ कर लेना है। आप चाहें तो ये ढक्कन बाहर भी निकाल सकते हैं, हल्की सी हथौड़ी सी चोट मारेंगे तो यहाँ पे ढक्कन बाहर आ जाएगा,
लेकिन उसके लिए आपको दोस्तों ध्यान रखना है, आपके ये वायर टूटने नहीं चाहिए, इसको आपको जो है बहुत ही सावधानी से हटाना है। और दोस्तों ये इसकी जो है कॉइल होती है, वाइंडिंग होती है, ठीक है दोस्तों, इसका आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। इसमें से बहुत पतले पतले बारीक तार होते हैं जो टूटने नहीं चाहिए, और आपको ये हाथ से गिरनी भी नहीं चाहिए, और इसके ऊपर स्क्रेच भी नहीं लगे, इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से आप नीचे की तरफ रख दें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको ये बुश भी साफ़ कर लें, और इसको जो है पूरा साफ़ करने के बाद आपको जो है इस तरह से वापस दोनों हॉल मिलाने हैं आपके दोस्तों। आपको जो है ये हॉल वापस मिला लेने हैं, आपको ये जो हॉल वापस मिला लेने हैं, और मिलाने से पहले आपको इसके अंदर जो है ऑयल से पूरा इस तरह से जो है आपको इसके अंदर ऑयल देना है। इस तरह आपको जो है पूरा ऑयल से लगा करके आपको इसके अंदर भी थोड़ा सा शाफ्ट के ऊपर भी इस तरह से ऑयल लगाना है। ऑयल लगा करके आप इसको जो है वापस अच्छे से जो है फिटिंग कर दें, आप इसको इस तरह से जो है वापस पूरा अच्छे से फिटिंग कर दें। और फिटिंग करते समय आपको बहुत ही ख़ास तौर से ध्यान रखना दोस्तों, ये वायर नहीं टूटना चाहिए। फिर से मैं आपको बता दूं, ये वायर नहीं टूटना चाहिए। इस तरह से आप घर पर भी है किसी भी कूलर की मोटर अगर जाम हो तो आप इसको इस तरह से जो है आसानी से सर्विस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके जो है ये चीज़ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो मान लीजिए आपके जो है कूलर में ये जो रॉड बुश ख़राब होते हैं वो बदलने होते हैं। उसके लिए मैं नीचे वीडियो का लिंक दे दूंगा, मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसके अंदर मैंने कूलर के रॉड बुश को चेंज करने के बारे में बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, ठीक है दोस्तों। वो वीडियो आप देख करके उससे अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं कि हम कूलर की जो है रॉड बुश किस तरह से चेंज करें। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।